स्थायी रूप से काम की बात हो वो काम होना चाहिए। हालांकि उन्होंने इंटरेस्टिंग ये था कि उनका कहना है कि हम वोट नहीं देते लेकिन बीजेपी को देंगे क्योंकि उनके वोटर हैं। मैम नमस्ते, आप इसी रोहिणी में ही रहते हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं मैम आप? सेक्टर 2 में। अच्छा, क्या नाम है आपका? तबस्सुम खान। तबस्सुम जी, एक बात बताइए, यहाँ इलेक्शंस दिल्ली में बहुत जोरों शोरों से हैं अब, तो क्या कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जो महिलाएं दिमाग में रखेंगी कि सरकार ने ये किया इसलिए वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे? क्योंकि तीनों पार्टी कॉन्टेस्ट में है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की। किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है महिलाओं को खासकर? मेन यही कि एक तो क्लीन करे ये दिल्ली। हाँ, दिल्ली बिल्कुल क्लीन। और एक जो फैसिलिटी मिली हुई है एक तो है ही बहुत अच्छा। मेन तो यही वाला है, यही वाला रहे तो ज्यादा बेटर है। मतलब क्या बिजली पानी वाला कह रहे हैं? पानी वाला ये ठीक है, अच्छा है। अच्छा है, लोग कह रहे हैं कि अरे फ्री हमें नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं, आधे कुछ लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए फ्री, क्यों देते हैं फ्री, फ्री इलेक्शन के लिए दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है केजरीवाल का, ऐसा तो कुछ नहीं है। इस बार किससे ज्यादा उम्मीद होगी लोगों को, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी। आम आदमी, मैं खुद उसी को दूंगी। अच्छा, आप उसकी उनकी वोटर है। चले, थैंक यू सो मच। देखिए, सब अपना अलग अलग तरह से सोचते हैं, थोड़ा इस तरफ चलते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव। यही रहते हैं? यस मैम। क्या क्या चुनावी समस्याएं हैं यहाँ पे, मुद्दे क्या हैं सबसे बड़ी? मुद्दे सबसे बड़ा तो यहाँ सफाई वगैरह का मुद्दा है मेन, और जो है थोड़ा जैसे चैन स्नैचिंग वगैरह थोड़ा इस टाइप की, हाँ कभी कभी हो जाती है। अच्छा। तो इस टाइप की है वैसे बेसिकली, बाकी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पानी और बिजली के मामले में। तो केजरीवाल, बीजेपी यहाँ से विधायक, बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप केजरीवाल को ही आएगा। और लेकिन नेशनल, हाँ विधानसभा में, नेशनल स्टेट दिल्ली की बात।